लेकिन वहां हमें रेशियो में दिया हुआ था, यहाँ हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में दिया हुआ है। तो हम इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि एक लाइन सेगमेंट दी हुई है और हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक सेक्शन दे रखा है, तो उस सेक्शन में हमें वो लाइन को डिवाइड करना है। लेट्स सी हाउ वी डू इट, राइट। सो हियर क्वेश्चन इज, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ML इक्वल्स टू 9.7 सेंटीमीटर, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट N ऑन इट सच दैट ML इक्वल्स टू 4/5 ऑफ ML। आपको क्या करना है, आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, ML इज इक्वल टू 9.7 सेंटीमीटर, और उस लाइन के ऊपर आपको एक पॉइंट फाइंड आउट करना है जिसको आप नाम देंगे N। क्या नाम देंगे? N। और वो ऐसा होना चाहिए कि जो ML है वो ML का 4/5 होना चाहिए। ठीक है, हम लोग कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें गिवन है, मैं आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बाद में समझाऊंगी, पहले हम लोग बनाना सीख लेते हैं। सबसे पहले हम स्केल और पेंसिल की हेल्प से 9.7 की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। मैं आपको ऐसे रफली ड्रॉ करके बता दूं, इट्स 9.7 सेंटीमीटर की आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली है। उसके बाद आपको क्या करना है, फाइंड अ पॉइंट ऑफ इट ऐसा दे रखा है, तो हमने 9.7 की लाइन ड्रॉ करी और इसको हमने नाम दे दिया ML, राइट। अब हम क्या करेंगे, हम एक रे ड्रॉ करेंगे, एक रे ड्रॉ करेंगे, एक्यूट एंगल बनाना है, जो एक्यूट एंगल बनाती हूँ ML के साथ। हम एक रे ड्रॉ करेंगे जो ML के साथ एक्यूट एंगल बनाती हूँ। ये मैंने एक रे ड्रॉ कर ली, ये मैंने कोई मेजरमेंट नहीं किया, बस एक्यूट एंगल मतलब 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, एक एक्यूट एंगल बनाती हुई M पॉइंट से मैंने एक रे बना ली। अब ये है 4/5, तो टोटल कितना है 5। देखो रेशियो में तो हम ऐड कर रहे थे, जैसे 3:5, तो 3+5 8, तो मैं 8 इक्वल कट्स लगा दी थी, राइट। यहाँ पे क्या है 4/5, तो 5 टोटल कितना है, हम इसमें डिनोमिनेटर देखेंगे, ये हमारा न्यूमरेटर होता है और ये हमारा डिनोमिनेटर होता है, तो डिनोमिनेटर कितना है 5 है, राइट। तो इस तरह से मैं ये कंपास लूंगी, इस कंपास को मैंने कितना भी खोल दिया, थोड़ा सा खोलूंगी और इस तरह से एंड में रखूंगी, और इस तरह से यहाँ कट करा, फिर जहां कट हो रहा है वहां से यहाँ कट करा, इस तरह से मैं इक्वल 5 पॉइंट्स कट कर लूंगी, राइट। तो ये कंपास को मैंने यहाँ रखा, सपोज कीजिए यहाँ पे कंपास यहाँ रख के उसी मेजरमेंट से आपको 5 इक्वल आप काट लेने हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 इक्वल कट है। आप इनको नाम दे दीजिए A1, A2, A3, A4 एंड A5, और ये जो आपका सबसे लास्ट वाला जो इंटरसेक्शन आया है हम इसे इस N से ज्वाइन कर देंगे, राइट। अब हमें क्या करना है 4/5, तो हम पहले तो हमेशा लास्ट में जाते हैं, फिर हम क्या करेंगे अभी तक, अब हम इस कंपास को फिर थोड़ा सा इतना खोलेंगे, जैसे मैंने इस कंपास को यहाँ रखा और इतना खोला कि इसे बस थोड़ा सा ही नीचे रहना चाहिए, थोड़ा सा मैंने इसको खोला और इस तरह से यहाँ आंख लगा दी, और उसी सेम मेजरमेंट से 4 है ना, तो A4 में भी उसी सेम मेजरमेंट से मैं इस तरह से आंख लगा दूंगी। ये देखिए जैसे मैं यहाँ रख के ये मैंने इसे आंख लगाई है, तो यही 4 पे रख के उसी सेम मेजरमेंट से मैंने इस तरह से आंख लगा दी, राइट। अब मुझे क्या करना है, ये जो दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो मुझे कंपास से इस तरह से मेजर करनी है, और वही डिस्टेंस यहाँ पे इस पॉइंट पे रख के, मतलब जहां ये इंटरसेक्शन हो रहा है ना उस पॉइंट पे रख के, और मैं इस तरह से आप कट कर दूंगी, जैसे यहाँ पे कंपास रख के और इस तरह से मैंने आप कट कर दी, राइट। अब देखिए आप, ये यहाँ इंटरसेक्शन एक पॉइंट आ रहा है, ये आपका A4 है, तो आप इन दोनों को बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से ज्वाइन कर देंगे और इसको आप नाम दे देंगे N। तो हमने ML पॉइंट पे एक N पॉइंट ढूंढ लिया है, जो ML क्या है, ML 4/5 ऑफ ML, पूरी ML लाइन का जो ML है वो 4/5 है। ये देखिए हमने पूरी लाइन को डिवाइड कर दिया, ये ML जो है वो ML का 4/5 है, राइट। अब हम फिर से कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, देखो ये हमने क्या किया है, सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी है 9.7 सेंटीमीटर की ML, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, एम से एक रे ड्रॉ करी है, एम से एक रे ड्रॉ करी है जो ML के साथ एक्यूट एंगल बनाती है, मतलब कि L M, और इसको कुछ भी नाम दे दीजिए, हमने यहाँ नाम दिया है, क्या नाम दिया था हमने यहाँ पर, फॉर्म एन एक्यूट एंगल, ओके यहाँ मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है, ये LMX क्या नाम दिया है हमने, LMX, इसको हमने X नाम दिया है, तो ये हमारा जो LMX है ये हमारा एक्यूट एंगल फॉर्म हो गया। अब हमारे पास 4/5 है ना, तो हम टोटल नीचे डिनोमिनेटर देखेंगे, तो इसमें कंपास को थोड़ा सा खोल के ये 5 इक्वल आर्क्स कट कर लेंगे, सबसे लास्ट वाले आपको मैंने इससे ज्वाइन किया है, और द रे हमने 5 पॉइंट लोकेट किया,
फिर लास्ट पार्ट A5 को मैंने ML की L से ज्वाइन कर दिया, लास्ट पार्ट A5 को मैंने ML की L से ज्वाइन कर दिया। अब मैं क्या करूंगी, नाउ थ्रू पॉइंट A4, A4 से मुझे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, A4 से मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है A4A टू A5L, A5L के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है A4M, A5L के पैरेलल। तो हमें मिल गया कि ML जो है वो 4/5 ऑफ ML है। सो होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आया होगा, बिल्कुल कंफ्यूज हो तो ना इससे थोड़ा सा नीचे खोल यहाँ आकर करा और सेम उसी मेजरमेंट से M4 पे रखा, फिर इनका डिस्टेंस लिया और फिर ऐसे कट करा और इसे ज्वाइन कर दिया। तो स्टूडेंट